बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुकमा के जगरगुंडा बाजार में हुए नक्सली हमले में घायल जवानों को दंतेवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। जवान कर्तव्य देवा और सोढ़ी कन्ना को इलाज के बाद रायपुर एयरलिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान नक्सलियों ने जवानों की इंसास राइफल भी लूट ली है और फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था, सुबह नक्सलियों ने मौका देखकर जवानों पर हमला किया। दो जवान घायल हुए हैं जिन्हें दंतेवाड़ा ले जाया गया, लेकिन स्थिति को देखते हुए रायपुर एयरलिफ्ट उन्हें किया जाएगा जहां पर उनका इलाज होगा। छत्तीसगढ़ सरकार 14 नवंबर से धान की खरीदी करने जा रही है। इसको लेकर बेमेतरा जिले में सभी सोसाइटियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिले के 102 सोसाइटियों के जरिए 129 धान खरीदी केंद्रों में धान बेचा जाएगा। इसके लिए 1,64,000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। बता दें कि इस बार जिले को 99 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। आज बेमेतरा जिले में धान खरीदी को लेकर समिति प्रबंधकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बैठक ली गई। इसमें खाद अधिकारी और खाद विभाग से संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी, खाद निरीक्षक और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य धान खरीदी के संबंध में व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मुरैना जिले में 50 से ज्यादा लोगों के बीमार होने से हड़कंप मच गया। बस्तौली गांव में बीमार हुए 50 से ज्यादा लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची है। वहीं लोगों के सैंपल लेकर डेंगू की जांच की जाएगी। बीते तीन दिनों से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाया हुआ है और लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है, दवाइयां भी दी जा रही हैं। वहीं कुछ मरीजों की हालत गंभीर है और ग्वालियर में उनकी निजी अस्पताल में इलाज भी जारी है। प्रशासन गांव में डेंगू के लार्वे को मारने के लिए दवाई का छिड़काव कर रहा है। ब्लॉक की टीम थी और जिले से भी टीम आई थी, जिसमें CMHO डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय, डॉक्टर अजय गोयल और डॉक्टर महेंद्र यादव जो जिला मलेरिया अधिकारी हैं वो आए थे, और भी अन्य लोग थे साथ में। गांव में गए थे, सभी का घर घर सर्वे करवाया था और जहां डेंगू के लार्वा मिले थे वहां दवा छिड़काव का कार्य किया है। सरपंच से मिलकर के छिड़काव कार्य के लिए भी दवाई दे करके आए हैं और गांव में कुछ मरीज मिले थे जिनके सैंपल भी लिए हैं। टोटल 51 सैंपल लेकर के आए हैं जिनको मुरैना भेज दिया गया। बालोद के अर्जुनी गांव में टीन शेड निर्माण को लेकर एक समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल गांव में उनका सामाजिक भवन है जिस पर टीन शेड ना होने की वजह से भारी परेशानी होती है, जबकि टीन शेड गांव के सांस्कृतिक मंच पर लगाया जा रहा है जो उनके साथ भेदभाव है। लोगों ने मामले में आंदोलन से लेकर CM तक शिकायत करने की चेतावनी दी। मामले में गांव की सरपंच ने कहा कि इलाके के विधायक ने सांस्कृतिक मंच के लिए टीन शेड निर्माण की घोषणा की थी और उसी के बाद ये काम हो रहा है जिसका इस्तेमाल कोई भी समाज कर सकता है। साथ ही सतनाम भवन में टीन शेड निर्माण को लेकर सरपंच ने कहा कि अलग से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। आगे मांग है कि हमारे जो मंगल भवन में सामाजिक कार्यक्रम होते ना, उनमें खाना पीना व्यवस्था जैसे अन्य भी आदमी काम पर थे सामाजिक व्यवस्था, तो खाना बनाए बार और वहाँ खाना पीना खाए बार शेड निर्माण की बहुत जरूरत है, तो हमारा शेड निर्माण बना के दे दे वही हमारा गया थे। हमारे गांव में सेट निर्माण के लिए आए थे सतनाम भवन के पास, सतनाम भवन में है ना, तो सेट निर्माण कला मंच सदरी कला मंच में लगा दे है और 2 लाख के राशि आए इसे बोला। हमारे ग्राम का सरपंच है उस सेट निर्माण कला मंच कर दे। विधायक जी को हमें लेटर देंगे और जैसे मैं कल कार्यक्रम है लोकार्पण मंदिर का, तो उसमें विधायक जी आ रहे हैं, तो उनसे घर जाके भी मैं चर्चा की इस बारे में कि भैया वहाँ पे थोड़ा सा सतनाम समाज वाले लोग थोड़ा नाराजगी ये कर रहे हैं, तो उनके भवन के लिए चाहे मंच सेड हो, चाहे बाउंड्री वाल हो, चाहे जैत खाम जीर्णोद्धार हो। बलरामपुर के राजगढ़ शंकरगढ़ मुख्य मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। SDRF ने एक और युवक का शव पानी से बाहर निकाला है। ड्राइवर ने भी अंबिकापुर जाते वक्त दम तोड़ दिया है। बता दें कि बूढ़ा बगीचा के पास एक बेकाबू कार सड़क किनारे तालाब में जा घुसी थी और हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई थी। सभी की मौत पानी में डूबने से बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने सभी लोगों का रेस्क्यू कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं बलरामपुर हादसे में मृतकों के परिजनों से सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने राजपुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की थी, उन्हें सांत्वना दी थी। बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ा बगीचा और लड़ुआ के बीच डबरी में कार डूब गई थी, जिसमें कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में चंद्रावती नाम की महिला जो सूरजपुर में शिक्षक के पद पर थी, दिवाली की छुट्टी के बाद अपने पति और बेटी के साथ ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही थी। गाड़ी खाली होने की